नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, आदमी को ज़िंदगी में पैसे की ज़रूरत हर किसी को होती है, लेकिन पैसे की अहमियत ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। दोस्तों, पैसा भगवान नहीं होता है, लेकिन पैसे की ज़रूरत सबको होती है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी पैसे के साथ साथ शिक्षा, दीक्षा, नौकरी, व्यवसाय और उसके साथ दोस्तों विवाह भी समय पर हो, ये सब ज़रूरी है। कई बार तमाम कोशिशों के बावजूद शादी की बात नहीं बनती है या पैसे की समस्याएं लगातार बनती रहती है। दोस्तों, कुंडली दोष तथा ग्रह नक्षत्रों के संयोग से अनेक युवक और युवतियों का विवाह में विलंब होने लगता है। या दोस्तों, ग्रह दोष में आपको पैसे संबंधी आर्थिक समस्याएं और व्यवसाय में जो है वो समस्याएं आपको देखनी पड़ सकती है। दोस्तों, ऐसा कुंडली में ग्रहों के हेर फेर से भी संभव है। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के बारे में और हल्दी के ऐसे उपाय बताऊंगा जिन्हें करने से दोस्तों आपके व्यवसाय, धन संबंधी और विवाह संबंधी बाधाएं दूर हो सकती है। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे और हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस और उपाय आपके लिए लेकर आते रहें। दोस्तों, गुरु ग्रह की बात हो तो सबसे पहले गुरुवार की बात अवश्य हुई होती है। दोस्तों, गुरुवार के दिन विवाह आपके अगर विवाह में समस्याएं आ रही है और आप विवाह की समस्याएं ख़त्म करना चाहते हैं तो दोस्तों नहाने के पानी में आपको 21 गुरुवार तक एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। दोस्तों, ऐसा आपकी विवाह संबंधी समस्याएं होने पर ही करें जिससे जल्दी शादी होने के योग बनते हैं और दोस्तों गुरु ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत हो जाता है। दोस्तों, शादी योग्य युवक और युवतियों को अपने पास नए कपड़े रखने चाहिए। वहीं दोस्तों, अगर आपको विवाह संबंधी कोई परेशानी है, दोस्तों विवाह संबंधी कोई समस्याएं हैं, तो आपने गुरु एक प्लेट में 5 मिठाई, 3 इलायची, 2 सुपारी और घी का दीपक लेकर दोस्तों नदी या किसी सरोवर के किनारे जाकर पूजा करें और दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके विवाह में अगर बाधा आ रही है तो आपकी विवाह संबंधी बाधाएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर धन संबंधी समस्याएं आप लगातार झेल रहे हैं और आप परेशान आ चुके हैं उन धन संबंधी समस्याओं के, दोस्तों आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है। आप लगातार कोशिश करते जाते हैं लेकिन एन वक्त पर आपका बनाया हुआ कार्य दोस्तों उल्टा हो जाता है। तो आपने गुरुवार के दिन दोस्तों 225 ग्राम आटे के 5 गोले बनाने हैं और दोस्तों उनमें घी, हल्दी, गुड़ और चना रख कर गाय को खिलाना है। दोस्तों, खिलाते वक्त आपने जिस गाय को भी आप जो आटे के गोले बना रहे हैं वो खिला रहे हैं तो आपको उस गाय के कान में अपनी मनोकामना बता देनी है, जो भी धन संबंधी समस्याएं हो। लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो गाय होती है वो सफ़ेद नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी भी रंग की चलेगी। ऐसा करने से दोस्तों आपकी धन संबंधी बाधाएँ ख़त्म हो जाएगी। वहीं दोस्तों, अगर किसी रिश्तेदार की लड़की की शादी में जाएँ तो मेहंदी की रस्म में ज़रूर शामिल हो। लड़कियों को दुल्हन के हाथों से मेहंदी अपने हाथ पर लगवानी चाहिए। ऐसा करने से उस लड़की के जो भाग्य दोष हो, जो शादी में रुकावटें आ रही है, तो उस लड़की का विवाह बहुत जल्द हो जाएगा। दोस्तों, जिस भी लड़के या लड़की की शादी में रुकावटें आ रही हैं तो दोस्तों उसकी जिस लड़के और लड़की को देखने आए और उनके आपस में मिलवाया जाए तो दोस्तों जिसकी शादी में रुकावटें आ रही है उन्हें दक्षिण दिशा में बिठाएं। ऐसा करने से दोस्तों उनकी बात बन जाती है और उनके विवाह के योग बन जाते हैं, सारी रुकावटें ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप गुरुवार को इन हल्दी के उपायों का अगर आप उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।